चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर से पहले आपको रूबरू करवा दें। 28 से 30 नवंबर तक बैंकों में अवकाश रहने वाला है। बड़ी खबर फिलहाल 28 से 30 नवंबर तक बैंक्स में अवकाश रहने वाला है। जितने भी बैंक से जुड़े कार्य हैं आज आपको निपटा लेने चाहिए। 28 नवंबर को चौथा शनिवार होने की वजह से अवकाश रहेगा। 29 नवंबर को रविवार की छुट्टी है। साथ ही आपको बता दें कि 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती के कारण जो बैंक है वो बंद रहेंगे। लगातार 3 दिन तक जो बैंक है वो बंद रहेंगे, तो सभी आवश्यक कार्य जो है वो आज निपटा लें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ 28 से 30 नवंबर तक बैंक्स में अवकाश रहेगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, 28 से 30 नवंबर तक जो बैंकों में अवकाश रहेगा, लोगों को आज जितने भी बैंक से जरूरी कार्य हैं वो आज निपटा लेने चाहिए, क्योंकि सिलसिलेवार 3 छुट्टियां पड़ रही है। बीके जी हाँ, ये हमने पहले भी जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि क्योंकि इससे पहले एक दिन और व्यवधान आया था, कल हड़ताल थी जी। और अब ये देशव्यापी जो श्रम संगठनों की हड़ताल थी, इसमें बैंक कर्मचारियों के जो सभी संगठन है वो इसमें शामिल हुए थे और इसकी वजह से एक दिन ये काम नहीं हुआ बैंकों का और बैंकिंग की जो सेवाएं ग्राहकों को मिलती है वो नहीं मिली। अब केवल आज का दिन है, आज पूरा दिन काम होगा, लेकिन इसके बाद लगातार 3 दिन तक बैंकों में अवकाश रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होना संभावित है। और ये क्योंकि अभी ये महीने का इसको क्लोजिंग कह सकते हैं, तो क्लोजिंग के टाइम पर ये बैंकों की सेवाएं नहीं मिलने से कुछ चालान जमा कराने में परेशानी होती है, लोगों को पेंडिंग कुछ ईएमआई या दूसरे जो लेन देन के काम है वो जाहिर तौर पर उसमें परेशानी होती है। और लेकिन इसमें क्योंकि ये इत्तेफाक की बात है कि सोमवार को गुरु नानक जयंती है और लगातार 2 दिन उससे पहले इनका साप्ताहिक अवकाश जो महीने में 2 दिन होता है जी, तो इस तरह से ये परेशानी की बात तो है, लेकिन आज का दिन है तो ज्यादातर लोग जिनको जरूरत है वो आज अपना बैंक का काम कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी, एटीएम खुले रहेंगे जी, तो इससे जो लोगों को कैश की जरूरत है वो इसमें पूर्ति उसकी होती रहेगी, तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो व्यावसायिक काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, जो ब्रांच में जाकर ही होते हैं, उनमें जरूर लोगों को परेशानी होगी जी। बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।